कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, इसकी वजह से हो रहा है। तो इसलिए अगर कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी को नहीं लाना चाहिए, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। हम लोग चुनाव हारते हैं या जीतते हैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे वोटों की वजह से कौन से पार्टी का कैंडिडेट हारता है, कौन से पार्टी का जीतता है, उस झंझट में पड़ने के बजाय हमें अपने लोगों के आंदोलन को करने वाले लोगों के संगठनाओं को विजयी बनाने का काम करना चाहिए। कितने वोट पड़ते हैं कितने नहीं पड़ते इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस वाले बीजेपी वाले प्रचार करते हैं, अगर वो अनुसूचित जाति का जनजाति का बैकवर्ड क्लास का कैंडिडेट है, अगर वो इंडिपेंडेंट कोई मूवमेंट चला रहा है, अगर उसकी कोई इंडिपेंडेंट पार्टी है, तो वो क्या प्रचार करते हैं? अरे इसको वोट देने से वोट फालतू चला जाएगा क्योंकि ये हार जाएगा, और अगर ये हार जाएगा तो हारने वाले को क्यों वोट दे रहे हो हैं? वो हमारे लोगों को, क्योंकि हमारे लोगों को समझ में आता है नहीं ये जो है तो हारने वाला है, तो ये हारने वालों को वोट क्यों दे रहे हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने हारने वालों को 10,000 वोट दे दिया और 10,000 से कांग्रेस जीतने वाली थी, बीजेपी आ गई तो अखबार में खबर आ जाएगी ये तीसरी जो पार्टी आई ना इसकी वजह से बीजेपी हार गई, इसकी वजह से कांग्रेस हार गई। तो पहले तो आपको अपनी उपद्रव क्षमता बढ़ानी होगी, यानी उनके पिछवाड़े पर लात मारने की ताकत पैदा करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि इन लोगों की जो पूछ है वो कुत्ते की पूछ की तरह है। कुत्ते की पूछ में पुंगली डालो पुंगली टेढ़ी हो जाएगी, ये सीधे होने वाले लोग नहीं है। 2-3 हजार साल से सीधे नहीं हो गए ये लोग, 2-3 हजार साल से सीधे नहीं हुए, तो आने वाले समय में ये सीधे हो जाएंगे, इसकी कोई कारण नहीं है, क्योंकि इनका डीएनए गड़बड़ है, डीएनए प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है डीएनए का प्रॉब्लम है, और इस वजह से हम लोगों को अपनी ताकत आंदोलन में भी दिखानी चाहिए संख्यात्मक, और हमको कैंडिडेट कौन हारता कौन जीतता ये बगैर, इसके सोचे बगैर हमारे लोगों को वोट देना चाहिए। अगर उसको 6% वोट पड़े पार्टी राष्ट्रीय हो जाएगी, अगर 10% वोट पड़े तो आप किसी को हरवाओगे किसी को जितवाओगे, तो आपकी उपद्रव क्षमता सिद्ध हो जाएगी। जब आपकी उपद्रव क्षमता सिद्ध हो जाएगी तो उसके अगले चुनाव में जानते हो क्या होगा? उसके अगले चुनाव में आपके पास राष्ट्रीय पार्टी के नेता आएंगे और बोलेंगे आपको 230 है ना मध्य प्रदेश में, उसमें से आपको हम 30 सीट देते, हमारे साथ गठबंधन करो। आगे आ गया ना, जमीन पर आ गया। तो जो लोग प्रचार करते हैं अरे इसको वोट देने से ये तो हारने वाला है, ये हारने वालों को वोट क्यों दे रहे हो? वो आदमी जब आपको 10,000 वोट पड़ जाएंगे तो अगले चुनाव में आपके पास आ जाएगा, अरे ये इसकी वजह से हार गया था, मैं इनके साथ समझौता करना पड़ेगा, इनको कुछ देना पड़ेगा, इनको कुछ लेना पड़ेगा, सीधा हो गया। दूसरी बात, अगर आपने जीतने वालों को वोट दिया और काम करने के लिए उसके पास गए तो क्या बोलेगा आपको? मैं तो जीतने वाला ही था, तुमने क्यों दिया? वो आपको ये बोलेगा मैं तो जीतने वाला ही था, फर्क कितना हो गया कि तुम्हारी वजह से 4-5 हजार से ज्यादा वोट से जीता, मगर मैं तो जीतने वाला ही था। तो तुम्हारे वोट का वैल्यू उसके लिए जीरो है। जीतने वालों को वोट दोगे तो बोलेगा मैं तो जीतने वाला ही था। अगर 10,000 वोट पड़ेंगे, फायदे बता रहा हूं, 10,000 वोट पड़ेंगे तो पुलिस स्टेशन में चौकी इंचार्ज को टेलीफोन कर दो कि मैं कामले बोल रहा हूं। बोलेगा कौन कामले? वो 10,000 वोट वाला। अच्छा अच्छा हाँ सर सर बोलिए बोलिए सर, इमीडिएट कौन बोल रहा है ऐसा पहले बोलेगा, और बोलेगा वो भाई 10,000 वोट वाला। सर सर बोलिए सर, क्या काम है सर? वो 10,000 वोट फालतू नहीं है, वो इंस्पेक्टर 10,000 वोट से हारने वाला जो आदमी है उसको सर बोलना शुरू करेगा और टेलीफोन से उसका काम होगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंस्पेक्टर बोलेगा पता नहीं साला 10,000 अभी वोट पड़ा, अगले चुनाव में एमएलए भी बन सकता है,
एक आमले जो है एमएलए भी बन सकता है, बोल नहीं सकते। तो ये बात आप लोगों को समझना होगा और अपने समाज को समझाना होगा। अगर मान लो आप अपने घर की रोटी खाते हो और अपने घर की रोटी खाकर कांग्रेस को जिताते हो, तो आपका बाप बोलेगा साले रोटी मेरी खा रहा है, बकरिया उसके राख रहा है, हैं? रोटी तो मेरी खा रिया तू, और मेरी रोटी खा रिया और कांग्रेस की भेड़ बकरिया चरा रहा है, तो तू अगर ऐसे करेगा तो तू बाहर जा, मेरे घर से बाहर जा, अरे रोटी मैं खिला रहा हूं, मेरी रोटी खा रहा है तू काम खा। तो बाप भी आपके पिछवाड़े में लात मारेगा, बोले अरे फुकट की रोटी खा रहा है और उधर कांग्रेस का प्रचार कर रहा। तो हमारे लोगों को अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपनी ताकत नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि मुस्लिम लोगों के पास हम गए, मुस्लिम लोगों ने हमको कहा कि हम तो आपका साथ देना चाहते हैं मगर आपके पास जनशक्ति नहीं है, तो फिर मैंने निर्णय किया कि अभी एससी एसटी ओबीसी के अंदर से जनशक्ति निर्माण होनी चाहिए। तो आपको ध्यान देना चाहिए जनशक्ति निर्माण करने पर। अगर जनशक्ति निर्माण हो गई तो जो मुस्लिम भाई है वो भी आपका साथ देने के लिए तैयार है, मगर उनको जनशक्ति दिखनी चाहिए आंखों से। अगर आप ऐसा करते हो, और इसका लिमिटेड समय 2024 तक है, एक 19 का चुनाव है तो 2024 में दूसरा चुनाव आएगा, इसमें हम लोग बहुत बड़ी ताकत इस देश में निर्माण करके दिखाएंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में केवल अपने बलबूते पर हम अपनी समस्याओं का समाधान करने लायक हो सकते हैं, ऐसा काम हमको करना होगा। मैं आशा करता हूं इस दिशा में आप लोग विचार करेंगे, सोचेंगे और ये काम करेंगे, और जो इस तरह का काम नहीं करेंगे वो लोग हमारे संगठन में ना आए तो ठीक है, दूर रहे तो अच्छा है। हमें ऐसे लोगों की, ऐसे मुफ्तखोर लोगों की, दुश्मनों को ताकत बढ़ाने वाले लोगों की, और जो जिनको ज्यादा समझदारी नहीं है और सारे 5-5 दिन समझाने के बाद उनके बददिमागी में कुछ जा नहीं रहा है, तो उनका डीएनए खराब है, तो ऐसे लोगों की हमको जरूरत नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद मेश्राम।